हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बादाम कुल्फी विद सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स एंड टिप्स। पर उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आधा कप से ज़्यादा बादाम है, 2 स्पून खोवा है, 2.5 टेबल स्पून शुगर और फ्रेश क्रीम और कुटी इलायची और दूध। यहाँ पे मैंने फ्रेश गाय का दूध लिया है, आप पैकेट का दूध भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं 3 कप ले रही हूँ, आप जितना आपका रिक्वायर है उतना लेना। और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने दूध लिया है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके मैं दूध बॉईल होने रखती हूँ। और जब तक मेरा दूध बॉईल होता है अपने मैं आलमंड को रोस्ट कर लूँगी। उसके लिए मैंने गैस पे पैन रखा है, अब मैं यहाँ पे आलमंड को रोस्ट कर रही हूँ। ये मैं स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ ताकि हमारे बादाम जले नहीं। अब मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने का फ़ायदा ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और चॉप करने में ईजी होगा। अब यहाँ पर मेरा दूध ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, आप देख सकते हैं ये आधा हो गया। अब मैं दूसरी जगह पर दूसरे गैस पर एक और पैन रख के मैं उस पर शुगर को कैरेमल करूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून शुगर डाला है दूध में और 1 स्पून मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब मैं इसको मेल्ट करूँगी। मेरे को मैंने इसमें ना ही तेल डाला है ना ही पानी डाला है, सिर्फ मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही मेल्ट कर रही हूँ। इसका मैं कैरेमल बना रही हूँ। आप देख सकते हो ये अच्छे से पिघल गया है, इसको हमें जलाना नहीं है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, ये ठीक है। अब इसको मैं दूध के ऊपर डाल रही हूँ। दूध के ऊपर डालते साथ ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो यहाँ हमें घबराना नहीं है, हमारा दूध फटेगा नहीं। बस हमें कंटिन्यूसली इसको चलाना है स्लो फ्लेम पर, वो दूध में ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। और जैसे ये घुल जाएगा आप देख सकते हो दूध का कलर बहुत ही सुंदर हो जाएगा, हमारी कुल्फी वैसी ही दिखेगी जैसे से मार्केट की होती है। ना ही हमें इसमें कलर डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई एसेंस डालने की, ये अपने आप में ही बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत टेस्टी भी रहेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, मैं 2 स्पून ली हूँ। ये मेरा घर का फ्रेश क्रीम है, मार्केट का भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्रीम आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, मेरे पास जितना था मैंने इतना ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसको और थोड़ी देर धीमी आंच पे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरा दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया। अब फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खोवा। खोवा डाल के मैं इसको थोड़ा और अच्छे से मिक्स करूँगी। खोवा डालने से ये फ़ायदा है कि हमारा जो कुल्फी वो एकदम दानेदार बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा और खाने में बहुत अच्छा रहेगा। खोवे की जगह आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वो प्रीफर नहीं करती हूँ, खोवा ही बेस्ट है। अगर खोवा नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट डालोगे तो अच्छी बात है। अब मेरा कुल्फी का बैटर ऑलमोस्ट डन है, अब मैं इसमें कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। हमें छिलका नहीं, सिर्फ कुटा हुआ इलायची डालना है। अब उसके बाद मैं बारीक चॉप किए हुए बादाम उसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा बचाई हूँ ताकि गार्निशिंग में मैं उसको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके उसको ठंडा कर दिया है। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। यहाँ पे मैं डिस्पोजल ग्लास यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कोशिश यही है कि मैं वही चीज़ों से बनाऊँ जो हमारे पास घर में ईजीली अवेलेबल हो। अब मैंने डिस्पोजल ग्लास लिया, आप चाहो तो कुल्फी मोल्ड भी ले सकते हो या मटका भी ले सकते हो। अब मैं ये पेपर ग्लास में डाल रही हूँ, डाल के मैं इसको सिल्वर फॉइल से कवर करके रात भर के लिए या 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी जमने के लिए। अब आप ये देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकाला है, मेरी कुल्फी बहुत अच्छे से जम गई है, जम के तैयार है। आप इसको काट के सर्कल शेप में या जैसे चाहिए वैसे उसको सर्व कर सकते हैं, और जिस ड्राई फ्रूट के साथ चाहिए उस ड्राई फ्रूट के साथ आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसको सर्कल शेप में कट कर दिया। कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट, कितना बढ़िया अच्छी तरीके से जमा हुआ। तो आप भी इसको ट्राई करिए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू।